सब्सक्राइब करें डीबीए गेमिंग को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट गेमिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। Hey what's up guys, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप भी प्रो प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप ये सभी टिप्स को अच्छी तरह से यूज करते हैं तो गाइस फिर आपको प्रो प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप भी प्रो प्लेयर बन सकें। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस नंबर वन टिप्स है सेंसिविटी। यस गाइस बहुत प्लेयर यहाँ पर गलती कर देते हैं। गाइस बहुत प्लेयर अपने सेंसिविटी को यूट्यूबर्स की तरह रख लेते हैं। गाइस वो यूट्यूब पे जैसे देखते हैं वैसे ही अपनी सेंसिविटी को कर लेते हैं। ये गाइस बिल्कुल भी गलत है क्योंकि गाइस जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो आईफोन्स या फिर आईपैड्स में खेलते हैं, उनको वो किसी भी लो सेंसिविटी में भी खेल सकते हैं। लेकिन गाइस जो आपका फ़ोन का सेंसिविटी है वो दूसरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो गाइस सबसे पहले आप अपनी सेंसिविटी को अपने फ़ोन के हिसाब से सेट कर लें। गाइस इसे आप खुद यूज करके देखिए कि आपके फ़ोन में कितना सेंसिविटी रखने पर आप स्मूथली आपका गेम प्ले कर पा रहे हैं और कैसे आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ रहा है। तो चलिए गाइस अपनी नंबर टू टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस नंबर टू टिप्स है सेटिंग। तो गाइस आपको कुछ अपने इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन कर लेना है जैसे पिक एंड फायर, गायरोस्कोप, ऐसे सेटिंग्स को गाइस आपको ऑन कर लेना है ताकि गाइस आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाए। और गाइस आप क्लोज सेटिंग को भी अप्लाई कर लें ताकि आपका गाइस जो गेम प्ले हो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस क्लोज सेटिंग में आप बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, एक साथ गाइस आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। तो गाइस मैंने क्लोज सेटिंग पर भी वीडियो बना दिया है कि आप किस तरह के क्लोज सेटिंग रख सकते हैं और गाइस इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप क्लोज सेटिंग का भी वीडियो देख लें और अपने क्लोज सेटिंग को भी सेट कर लें। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे टिप्स की ओर। तो गाइस नंबर थ्री टिप्स है रश ऑन एनिमी। गाइस इसका मतलब है कि जब अभी आप अपने सामने कोई एनिमी को देखें तो गाइस उस पर एकदम तुरंत ही रश कर दे। गाइस आप डरे नहीं, घबराए नहीं उसके ऊपर रश करने से, आप डायरेक्ट ही गाइस रश करें। भले ही आप मारे जाएं लेकिन गाइस आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपको किस तरह का खेलना है। तो गाइस आप एनिमी पे रश करेंगे तो आपका गेम प्ले अच्छा होगा। गाइस आपको डर के नहीं खेलना है, अगर आप डर के खेलिएगा तो गाइस आपका गेम प्ले अच्छा नहीं होगा। तो गाइस आपको अपने एनिमी पे रश करना है और गाइस कैसे रश करना है इसको भी मैं वीडियो के आगे बताऊँगा। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो गाइस नंबर फोर टिप है यूज ग्रेनेड। इसका मतलब ये है गाइस कि जब भी आप कोई अपने एनिमी पे रश करें तो उससे पहले उस पर गाइस ग्रेनेड फेंक दें ताकि गाइस वो अगर कवर में है तो वो अपना कवर से गाइस बाहर निकल जाए। और गाइस कभी भी आप गाइस जब ओपन एरिया में किसी अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहे हैं तो गाइस स्मोक ग्रेनेड का यूज करें। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने पाँचवें टिप्स की ओर। तो गाइस नंबर फाइव टिप्स है क्राउच एंड प्रोन फायर। गाइस इसका मतलब है कि जब भी कोई आप एनिमी से फाइट ले रहे हो तो गाइस बैठ के या फिर लेट कर गाइस उस पर फायर करें जब आप थोड़ी डैमेज हो जाए। इससे गाइस ये होगा कि जो आप एम है एनिमी का वो आप पर नहीं लग पाएगा, यानी कि जो एम असिस्ट होता है गाइस वो प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं करेगा और गाइस आप बहुत ही कम गोली गाइस आपको एनिमी का लगेगा जिससे गाइस आप बहुत ही कम डैमेज लेकर अपने एनिमी को मार सकेंगे। इसमें गाइस आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड जब खेलेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा आपको गाइस फायदा होगा। आप एक साथ बहुत सारे एनिमीज को गाइस मार पाएंगे अपना डैमेज बहुत कम दिए हुए। तो चलिए गाइस अपने अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस नंबर सिक्स टिप्स है माइंड गेम। इसका गाइस मतलब ये है कि जब भी हम अपने एनिमी पे रश कर रहे हो तो एक पूरी स्ट्रेटेजी बना कर रश करें। गाइस हमें पता होना चाहिए कि एनिमी हमारे पास किस डायरेक्शन से आ रहा है और गाइस हम लोग कंटिन्यूसली अपना जो प्लेस है गाइस उसे को चेंज करते रहें ताकि गाइस हमारा एनिमी कंफ्यूज हो जाए और गाइस एनिमी हम लोग का है वो एग्जैक्ट लोकेशन ना पता कर पाए। ऐसे ही गाइस हम लोग अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके गाइस अपने एनिमी को एक तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे ताकि उसको पता ही ना चले कि गाइस हम लोग कहाँ हैं और उसकी बहुत ही आसानी से मार पाएंगे। ऐसे ही गाइस हम लोग अपने माइंड गेम्स का यूज करके गाइस हम लोग पूरे स्क्वाड को बहुत ही ईजिली मार सकेंगे और गाइस कोई भी हमारा लोकेशन तक पता नहीं कर पाएगा कि गाइस किस डायरेक्शन से हम लोग पता कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप सभी को ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियोस गाइस लेकर आते रहेंगे और गाइस वीडियो को लाइक करें अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टिप्स की ओर।
तो गाइस नंबर 7 टिप है प्रैक्टिस। गाइस ये सबसे मेन टिप्स है। गाइस इस टिप के बिना आपका जो जितना भी बाकी टिप्स है गाइस वो बेकार है। गाइस आप कुछ भी कर लीजिए, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप कभी भी प्रो प्लेयर नहीं बन सकते हैं। तो गाइस आप जिस भी तरह की सेटिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ गाइस ट्राई कर रहे हैं, उसको एकदम पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करिए गाइस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकता है। गाइस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गाइस तो आप जो भी करें उसको एकदम पूरी अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि गाइस आपको आगे दिक्कत ना हो। गाइस आप माइंड गेम से गेम कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें। गाइस आपको कैसे रश करना है उसकी प्रैक्टिस करें, कैसे ग्रेनेड का यूज करना है उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसे ही आप हर तरह की गाइस प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस आप प्रो प्लेयर बन जाएंगे। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने आप सभी को बता दिया है गाइस प्रो ट्रिप्स। गाइस इस सभी ट्रिप्स को आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और गाइस आप भी प्रो प्लेयर बन जाएंगे। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।